गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉप 10 करंट अफेयर का ये सेशन। दोस्तों, एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको सफल होना है तो खुद पर यह विश्वास रखना है कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। विश्वास खुद पे हमेशा बनाए रखना, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, आपको सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी। दोस्तों, कल का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे था 5वें एशिया पर 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुणे। यह आयोजन पुणे में किया जा रहा है। भारत इस सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कर रहा है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के ड्रोसोफिला शोधकर्ताओं की शेष वैश्विक शोधकर्ताओं से पारस्परिक वार्ता को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर एक है, ईरान ने हाल ही में किस देश में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है? इस समय दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अपनी मिसाइलों से हमला किया है। तो वो कौन से देश में थी अमेरिकी सैन्य ठिकाने? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इराक। ईरान ने क्या किया दोस्तों, इराक में जो अमेरिकी सैन्य संघ ठिकाने थे उन पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इस हमले में 22 मिसाइलें दागी। ईरान ने इस हमले में करीब 80 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा कासिम सुलेमानी को मारे जाने के जवाब में की है। अमेरिका ने ड्रोन हमले के द्वारा ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारतीय मूल की किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जसविंदर बिलान। जसविंदर बिलान को यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्रिट बर्ड के लिए यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका पहला उपन्यास यह दोस्तों आशा एंड द स्प्रिट बर्ड। इस उपन्यास में हिमालय पर्वत के परिप्रेक्ष्य में लेखिका ने अपने बचपन की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। उन्हें इस पुस्तक के लिए पुरस्कार के रूप में 5,000 पौंड की रकम दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और यह दिवस मनाने की शुरुआत दोस्तों सन 2003 में हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कराए जाने वाले सम्मेलन विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच नेटवर्किंग स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं तथा भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है।
जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिए पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किए जाने की योजना है। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है। इस तरह का पहला केंद्र है वो, ये इसी प्रकार इस तरह का पहला ही केंद्र है। यह पुनर्वास केंद्र लगभग आधे एकड़ भूमि में फैला है तथा एक समय में लगभग 500 कछुओं को यह शरण दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी की गई 20 पीपल टू वॉच इन द 2020 सूची में निम्न में से किस भारतीय को जगह नहीं मिली है? कौन सा भारतीय जिसको इस सूची में जगह नहीं मिली है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को इस सूची में जगह उन्होंने नहीं दी है। क्या है दोस्तों ये देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया ने दोस्तों हाल ही में यह सूची बनाई है जिसमें राजनेताओं, उद्यमियों, मनोरंजककर्ताओं तथा खिलाड़ियों के नाम उन्होंने शामिल किए हैं। प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार इस सूची के सबसे बड़े नाम हैं। पत्रिका ने दुनिया के टॉप 20 प्रभावशाली लोगों में कन्हैया कुमार को 12वें स्थान पर रखा और प्रशांत किशोर को 16वें स्थान पर उन्होंने जगह है दी है। कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर के अतिरिक्त 5 भारतीय और है जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। कौन से है दोस्तों वो 5 भारतीय? आदित्य मित्तल, गोदरेज परिवार, दुष्यंत चौटाला, महुआ मोइत्रा और गरिमा अरोड़ा, ये 5 भारतीय। और छठा हो गया दोस्तों कन्हैया कुमार, सातवां प्रशांत किशोर। तो टोटल 7 व्यक्ति इस 20 व्यक्तियों की सूची में शामिल है। इस सूची में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भी जगह मिली है। वे इस सूची में 15वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में करने की घोषणा की है? किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की जाएगी। जो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। यह एक स्वायत्त संस्था है। इसका प्रमुख कार्य भारत में शिक्षा अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए समन्वय स्थापित करना है। यह जो एक स्वायत्त संस्था है दोस्तों, और इसका मुख्य कार्य भारत में शिक्षा अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए समन्वय स्थापित करना है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, डेनियल डी रोसी किस खेल से संबंधित है? डेनियल डी रोसी कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। डेनियल डी रोसी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों है? इन्होंने दोस्तों हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, इसलिए ये चर्चा में है। और ये कौन से देश के है दोस्तों? ये डेनियल डी रोसी फुटबॉल से संबंधित है और ये इटली इटली के है। किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए? किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए? तो इसका सही जवाब दोस्तों ईरान। ईरान में ये बोइंग विमान क्रैश हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पर 8 जनवरी 2020 को बोइंग 737-800 विमान उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। इसमें 167 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे। इमाम खोमेनी एयरपोर्ट कहाँ हो गया दोस्तों? ईरान की राजधानी तेहरान में।
अगला है दोस्तों अपना ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी बतानी है दोस्तों आपको, तो दोस्तों ओमान की राजधानी है वो मस्कट है। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है। तो दोस्तों ओमान की राजधानी हो गई मस्कट। और जो ढाका है दोस्तों, वो ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। रोम है, रोम दोस्तों इटली की राजधानी है। और आबू धाबी है दोस्तों, आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो ओमान की राजधानी हो गई दोस्तों मस्कट। और ओमान की मुद्रा है दोस्तों, वहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इटली के राष्ट्रपति है, इटली के राष्ट्रपति का नाम बताना है दोस्तों आपको। तो इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला है, इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला है। और ये ग्यूसेप कोंटे है, ग्यूसेप कोंटे इटली के प्रधानमंत्री है, ग्यूसेप कोंटे इटली के प्रधानमंत्री है दोस्तों। और जो महिंदा राजपक्षे है, महिंदा राजपक्षे दोस्तों श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। और जो शेख हसीना है दोस्तों, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की ये प्रधानमंत्री है शेख हसीना। तो इटली की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो इटली की राजधानी है रोम। और इटली में जो मुद्रा चलती है वो है यूरो। और इटली के राष्ट्रपति हो गए सर्जियो मेटरेला और प्रधानमंत्री हो गए ग्यूसेप कोंटे। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही नासा के उपग्रह टेसा ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के किस ग्रह की खोज की है जिस पर जीवन की संभावनाएं भी जताई गई है। नासा के उपग्रह है दोस्तों एक टेसा, जिसने हाल ही में एक पृथ्वी के आकार के ग्रह की खोज की है और जिस पर यह बताया जा रहा है कि उस ग्रह पर जीवन पॉसिबल है। तो वो कौन सा ग्रह है, उसका क्या नाम रखा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।